हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक इन स्टैंडर्ड 6। टुडे इज योर न्यू चैप्टर, न्यू टॉपिक इन दिस क्लास 6। सो यू हैव टू स्टडी अबाउट मैटर एंड इट्स नेचर। ओके, मैटर एंड इट्स नेचर। मैटर फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन इन इंग्लिश, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज अ स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। अब मैं आपको बताता हूँ इसका मीनिंग। मैटर किसे कहते हैं? ओके, आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, व्हाट इज मैटर, तो आप इसको बता सकते हैं। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज अ स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। एग्जांपल में पेन, चेयर। कहने का मतलब ये है बाबा आपका कि मैटर दुनिया में जो भी चीज़ आप देखते हैं, ठीक है, आपके सामने में जो भी कुछ नजर आता है वो सब मैटर से बना हुआ है। ठीक है, आपका ये बोर्ड है, मार्कर है, ड्रेस है, स्कूल है, क्लास है, जो भी कुछ आपको दिख रहा है वो सब चीज़ आपका मैटर से ही बना हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें भी देखिए डेफिनेशन फिर से, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज अ स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसके पास जो जो स्थान को घेरता हो, इसको मास बोलते, स्पेस बोलते हैं। ठीक है, स्पेस में जगह है। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट कोई स्थान जगह लेता हो या उसमें कुछ ना कुछ मास हो, मास मीन्स वजन, वजन जो है भी होता है। हम यदि कहीं बैठते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कुछ धंस जाता है, मतलब कुछ हमारे पास वेट होता है। अभी यदि मैं इसको उठाया तो इसका भी कुछ ना कुछ वेट है, वजन है। ठीक है, तो उसी को मास कहते हैं। तो जिस भी ऑब्जेक्ट के पास मास हो और जो जगह वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो, उसी को हम मैटर कहते हैं। तो आप मैटर समझ रहे हैं। अब ये रहा आपका मैटर और इसके नेचर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेचर मतलब इसका प्रकृति क्या होता है, इसका स्वभाव क्या, ये होता क्या, कैसा होता है। ठीक है, तो ये भी हम जस्ट देखे थे कि मैटर किसे कहते हैं। मैटर हम उन सभी ऑल ऑब्जेक्ट को कहेंगे जिन जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो, जो स्थान को लेता हो और जिसके पास कुछ ना कुछ मास मतलब वजन हो। जैसे कि आपका पेन हो जाएगा, चेयर हो जाएगा, बोर्ड हो जाएगा, हाउस हो जाएगा, रूम हो जाएगा, बस, ट्रेन, ट्रक, कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे कुछ आपको दिया है, लाइट लिखा है। क्या है? लाइट। और मैंने यहाँ पे वार्म्थ लिखा है, वार्म्थ मतलब गर्म, जिसको वार्म बोलते हैं, है ना, हीट जो हमको महसूस होता है ना, वार्म्थ। लेकिन बाबू ये जो आपको लाइट दिखता भी है ना, कि वहाँ पे लाइट जल रही है, अभी डे है और ये वार्म्थ है आपका, अभी नाइट है, ये सब में दिखता है, लेकिन वो सब मैटर नहीं है। आप लाइट को मैटर नहीं कह सकते हैं, वार्म्थ को मैटर नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ये पता है क्या है, ये सब जो आपको फील होता है, जो दिख, ये आपका ये लाइट है, ये वार्म्थ है, इसको हम इनर्जी कहेंगे। ओके, इनर्जी, इनर्जी कहेंगे। तो हम इनर्जी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पहले आप मैटर में, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए द अमाउंट ऑफ मैटर, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज मास। तो पहले आप समझ गए मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज अ स्पेस एंड हैज अ मास इज कॉल्ड मैटर। ओके, मैटर समझ गए। अब हम समझेंगे मास क्या होता है। अब जस्ट मैंने बताया था जिसमें कुछ वेट हो, वजन हो, उसी को हम मास कहते हैं। अब देखिए द अमाउंट ऑफ मैटर, मैटर तो आप समझ ही गए होंगे, कोई भी वस्तु है वो सब मैटर का। ठीक है, द अमाउंट ऑफ मैटर, एनीथिंग कंटेन्स, जो भी कुछ मैटर है। देखिए ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, इसके शरीर में, इसके अंदर में कुछ न कुछ वजन है, इस अपने शरीर में कुछ न कुछ समा रखा है। ये सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से नहीं बना है, ये बहुत हजारों मिल करके तब बना है और तब बनने के बाद ये हमारे हाथों पे आया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैटर। इसके अंदर में जो वेट है, ये आपका क्या हो गया? मास। क्या हो गया? मास इज कॉल्ड मास। इसके अंदर में जो भी वजन है, इसी मैटर का हम इसका मास कहेंगे। जैसे कि आपका एक कोई छोटा सा बॉल हो, चाहे 200 ग्राम का बॉल हो, ये भी आपका इसका हम बॉल लेते हैं ना, 200 ग्राम का, जो उसमें कुछ 200 ग्राम लगता है, 500 ग्राम का है, जिसको बोलते हैं हाफ के जी, 1 kg, 2 kg, 4 kg, तो ये आपका उसी का वो क्या हुआ, मास हो गया। जैसे आपका ये 1 kg का ब्रिक्स देखते हैं, ब्रिक मतलब ईटा जिसको बोलते हैं ना, ये आपका बोर्ड वाइज, एक बोर्ड को उठाएंगे तो इसमें भी कुछ ना कुछ वजन होगा, ये आप उसका जो वजन होगा वही उसका मास होगा, मास का। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट। ठीक है, तो पहले आप समझ गए मैटर क्या होता है, नेक्स्ट आपका मास क्या होता है। अब हम थर्ड देखते हैं वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम जिसको हम, अच्छा मैटर का मीन्स होता है पदार्थ, है ना, पदार्थ उसको बोलते हैं। ठीक है, मास का होता है द्रव्यमान,
और वॉल्यूम का होता है आयतन, ठीक है, आयतन। अब देखिए वॉल्यूम क्या होता है, द स्पेस एनीथिंग ऑक्यूपाइज इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। अब देखिए आपका ये कुछ ग्लास है, ठीक है, आप देख ही रहोगे ये आपका बिगेस्ट है ना, बिगेस्ट है आपका, ग्लास का ही सीन समझ लीजिए, आपका ही ग्लास है, उसके बाद आपके ये लिटिल स्मॉल है, ये आपका छोटा सा है, इसको सेकेंड बोलते हैं, ये आपका सबसे छोटा है। तो अब देखिए वॉल्यूम क्या आता है, आपके ये तीन जो ग्लास है इसमें जो आपका मिल्क फिल कर दीजिए या वाटर फिल कर दीजिए, ठीक है, देखिएगा इन तीनों में जब हम फिल कर देते हैं मिल्क या वाटर, तीनों में चेंजिंग है ना, क्यों चेंजिंग है, क्योंकि आपका सबसे छोटा है ये कुछ मीडियम साइज है, ये आपका बिगेस्ट है, तो तीनों अलग अलग फिगर है। तो कहने मतलब है कि इसमें जो वॉल्यूम, वॉल्यूम किसे कहते हैं, इसमें जितना रहने की कैपेसिटी है, जैसे कि आप एक छोटा ग्लास से आप होता है कप समझते हैं, जिसको हम टी पीते हैं, मतलब चाय पीते हैं, छोटा कप होता है, और कोई बड़ा ग्लास से चाय पीता है तो उसके ग्लास में क्या होता है, अधिक चाय आती है ना, उसमें एडजस्ट हो जाता है, मैक्सिमम आपका टी एडजस्ट कर जाता है, तो उसमें जितना एडजस्ट हो पाया, जितना उसमें रह पाया, घुस पाया, समा पाया, उसमें रह गया, उसी को हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम कहेंगे। ये आपका ये जो है तो छोटा ग्लास है, इसका वॉल्यूम क्या होगा, छोटा होगा मतलब थोड़ा होगा, लिटिल होगा, इसका इससे कुछ ज़्यादा होगा, और इसमें क्या होगा, इन दोनों से ज़्यादा होगा, क्योंकि सबसे बड़ा है ना, जिसको आप बोलते हैं ना छोटा सा कप बोलते हैं, उसके बाद ग्लास बोलते हैं, उसके बाद बकेट बोलते हैं, बकेट में बाल्टी होता है ना, छोटा सा टी कप हुआ, टी कप, नेक्स्ट ग्लास, नेक्स्ट बकेट, तो तीनों में क्या है, अलग अलग है आपका, तो इसके अंदर में जो रहने की कैपेसिटी है इसी को हम वॉल्यूम बोलते हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम इज आयतन, द स्पेस इसके अंदर में स्पेस होता है, एनीथिंग कोई भी चीज़ की वस्तु है इसके अंदर जो स्पेस होता है, ऑक्यूपाइज जो अंदर में रखता है तो उसी को हम वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग इस क्लास फर्स्ट क्लास आपका था और है, तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग फिर न्यू टॉपिक से लेकर के हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, ओके, सही हो।